दिल्ली में महिला जज के साथ झपटामारी की कोशिश, धक्का देकर गिराया, दो आरोपी गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। दिल्ली के कई पोस इलाकों में भी अब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब दिल्ली में एक महिला जज से झपटामारी का मामला सामने आया है, जिसमें बेखौफ बदमाशों ने जज का बैग छीनकर भागने की कोशिश की। अब जब जज ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें धक्का दे दिया, जिसके चलते महिला जज के सिर पर हल्की चोट भी आई। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये वारदात रात को हुई, जब महिला जज अपने 12 साल के बेटे के साथ गुलाबी बाग के DA फ्लैट्स में रात 10 बजे टहल रही थी। इसी दौरान पीछे से बाइक सवार दो लड़के आए और उन्होंने महिला जज का बैग छीनने की कोशिश की। बैग में लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये थे, ATM और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रखे हुए थे। लुटेरों ने बैग छीनने के दौरान महिला जज को धक्का दे दिया। धक्का लगने से महिला जज के सिर में चोट लग गई। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी की और बाइक सवार दोनों बदमाशों को दबोच लिया है।